और बात करते हैं आईजीएनपी से जुड़ी बड़ी खबर की। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को कल से मिलेगा पानी, 26 मई तक दिया जाएगा नहरों को पानी। नहरों को तीन में से एक समूह में पानी दिया जाएगा। खरीफ फसल की सिंचाई के लिए किसानों को पानी दिया जाएगा। मुख्य रूप से बीटी कपास की बुआई के लिए पानी दिया जाएगा। WRD यानी कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की किसानों से अपील, कम पानी की फसलों को प्राथमिकता दें और उसी हिसाब से फसल को पैदा करें। मेरे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए। विनोद, कितना पानी दिया जाएगा पहला सवाल, दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि भाई जो पानी दिया जाएगा तीन में से एक समूह को पानी दिया जाएगा, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि इस दौरान पंजाब में नहरबंदी रहती है, तो हर साल नहरबंदी के दौरान राजस्थान को पानी नहीं मिल पाता है और बीटी कपास की जो फसल है वो मई के एंड में होती है। तो इस बार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर पत्र लिखा गया था पंजाब सरकार को, तो उन्होंने उस प्रस्ताव को BBMP की बैठक में मंजूर कर लिया है जो तीन दिन पहले हुई थी चंडीगढ़ में। इसके बाद निर्णय हुआ कि एक मई से बीटी कपास, मुख्य रूप से जो 4 लाख हेक्टेयर में 6 जिलों में बीटी कपास की फसल होती है, उसको एक मई से पानी देने की प्रस्ताव पर सहमति हो गई है। दूसरी बात यह है कि INGP को 7,750 फुट तक पानी मिलेगा। तो देखिए, तीन समूह चलते हैं फुल लेंथ पर, लेकिन अब एक समूह दिया जाएगा क्योंकि नहरबंदी नहीं की गई है, इसके बावजूद केवल बीटी कपास के लिए पानी दिया जाएगा, तो तीन में से एक नहर को दिया जाएगा जी। और बड़ी बात है, देखिए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जैसलमेर और जोधपुर का कुछ भाग जहाँ बीटी कपास की अधिकता रहती है 4 लाख हेक्टेयर में बुआई की, तो उन सबको पानी दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था कल से हो जाएगी। विनोद जी शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।